तो नमस्कार, और एक वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि खांजो नदी का बालू आखिर कैसे ख़त्म हो गया। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो खांजो नदी का पानी है वो यहाँ मटका देखे कितना बड़ा बड़ा हो गया है। आप देख सकते, जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये मक्का कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इतना धूप में भी इन लोग कितना मेहनत करके उगा रहे हैं, और यदि समय सही मार्केट में मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा नदी गड्ढा हो गया है। आगे इतना गड्ढा नहीं था, लेकिन अब देखने के लिए लगभग मतलब 10 साल के अंतराल में इतना गड्ढा हो गया है। आप देख सकते हैं एक भी थोड़ा सा भी बाला नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला है तो आपको मोटा बाला है, और आगे पूरा यहाँ भरा हुआ था, लेकिन यहाँ का बाला से आपका क्वालिटी घरों का जितना भी फ्लैट बनाया जाए यहीं से बना जाता था। और यहाँ पर आए देखे गड्ढा हो गया और कुछ नहीं मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा आप लोग को और दिखाएंगे वीडियो। देख सकते हैं आप सप्तान घाट है। ये शमशान घाट है कसमार का, अच्छा जगह में दिया हुआ है। देखिए कितना केवल चट्टान ही चट्टान नजर आ रहा है यहाँ कुछ, और आगे बालू ही बालू नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में पूरा बालू खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल सब बालू खत्म हो गया है। अब जहाँ तक नज़र दौड़ेंगे आपको केवल पत्थर ही पत्थर चट्टान ही चट्टान नजर आएगा, सब खाली हो गया। ये आपको बता दें कि खांजो नदी है। आप इधर भी देखिए पूरा पानी है, मतलब पानी है और पूरा कितना नीचे गड्ढा हो गया है। पूरा चालनी लगा के बालू ले जाया जा रहा है यहाँ से, पूरा गड्ढा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अभी जो बालू मंगाना पड़ रहा है आपका दामोदर नदी से कुछ बनाने के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना निकला है उसमें बनाने के लिए आपका दामोदर नदी से मंगाना पड़ता है बालू। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के जो लोकल है वो बालू सब ख़त्म हो गया है। देखिए कैसा हो गया है बालू ले जा जा के। एक खांजो नदी के बगल में है, और वो है आपका दुर्गा पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए।